हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आइए सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें आज सुबह के समय के लिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार करते हैं। जो सब कुछ बदलने की जो ताकत और सामर्थ्य रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हमारा पिता जो गुप्त में देखता है, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सभी लोग आज सुबह के समय में परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें, बोले परमेश्वर को कि प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमें नया जीवन देता है। बोले परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप हमें जीवन देता है, हमें सांसें देता है, हमें परमेश्वर आज का दिन दिखा, ताकि आज के दिन भी प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति तारीफ कर सके। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी तारीफ हो। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अनुग्रहकारी, विलंब से कुप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी हम जय जयकार करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य, आई ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे महिमा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है, जीवित है, जो सब कुछ बदल देता है विद इन सेकंड में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग चाहते हैं आपके घर में, आपके परिवार में बदलाव आए? कितने लोग चाहते हैं आपके परिवार में, कई ऐसे लोग रहते हैं घर में जिनकी वजह से, उनकी स्वभाव की वजह से थोड़ा दुख उठाना पड़ता है। कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर परिवार के एक सदस्य बदले, वो परमेश्वर में उद्धार पाए, जीवन को पाए, शांति को पाए, छुटकारा को पाए? हालेलुया, आप कई, कितने लोग चाहते हैं आपका जीवन ब्लेस्ड होकर बदल जाए? कितने लोग चाहते हैं कि आपका परिवार बचाया जाए, उद्धार पाए, सॉल्वेशन पाए और आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाए? कितने लोग चाहते हैं आपका काम काज ब्लेसेड हो, आपके घर द्वार ब्लेसेड हो, आशीषित हो, आपको मांगना ना पड़े, कर्ज में ना जाना पड़े, ईश्वर के सामर्थ्य नाम में? सभी से पूछा जाए तो सभी कहेंगे कि मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, लेकिन जब करने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। सॉल्यूशन है, परमेश्वर जब कहता है कि चिंता मत कर, तो उसके साथ परमेश्वर एक सॉल्यूशन भी देता है। आप बोलते हो, कह तो देते हो भाई, चिंता ना करो, चिंता ना करो। कैसे चिंता ना करें? दो प्रकार की चिंता, एक चिंता होती है नॉर्मल चिंता, ठीक है, नहीं होगा, ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी भी चिंता आती है जिसको रात को नींद नहीं आती, खाना पीना बंद हो जाता है, इतने टेंशन, इतने चिंता से भर जाते हैं। जब प्रभु ने कहा कि चिंता मत कर, तो इसके साथ परमेश्वर ने एक सॉल्यूशन भी दिया है कि तू प्रार्थना कर। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु ने कहा चिंता मत कर, लेकिन प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष में उपस्थित किए जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, आप चाहते हैं कि प्रभु आपको ऊंचा करे, आप चाहते हैं परमेश्वर ब्लेस करें, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, आपका परिवार बदले, आपका जीवन बदले। तो जिस तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर गुप्त में देखता है। हालेलुया, आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे। आप जो रात दिन प्रार्थना में हैं, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे, पवित्रता में चल रहे, आप चाहते कि जल्द हमारी प्रार्थना सुने, हमें रिजल्ट मिले। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप प्रार्थना को उत्तर साल में लेना चाहते हो या फिर आप एक महीना, दो महीना या छह महीने में लेना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आपके आत्मिक जीवन के बारे में, आपकी प्रार्थना पर डिपेंड करता है। आप कितना परमेश्वर के लिए खराई में चलते हैं, कितना आप चलते हैं, इस पर डिपेंड करता है। हालेलुया, कई लोग प्रार्थना करते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रार्थना, तो उनका रिजल्ट भी बहुत लेट आता है, कई पांच मिनट, कोई दस मिनट, कोई आधे घंटे। लेकिन अलग अलग तरह के कैटेगरी के जो लोग होते हैं, कई लोगों के जीवन में जल्दी आ जाती रिजल्ट, वो परमेश्वर जानता है, हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं, वो प्रभु ही जानता है कि क्यों आती है। हालेलुया, कई लोगों के जीवन में जल्दी काम होता है,
देखिए कई ऐसे हैं जिसको परमेश्वर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, मजबूत बनाना चाहता है। कभी कभार परमेश्वर जानबूझकर के भी आशीषों को लेट करता है आपको मजबूत बनाने के लिए, आपके विश्वास की परख के लिए। लेकिन एक अलग चीज है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग अपने जीवन में चंगाई को लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, आप चाहते हैं आपके घर में बरकत रहे। कई लोग बोलते हैं कि हमारा बिजनेस कभी अच्छा जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी अच्छा क्लाइंट और कस्टमर आते हैं तो कभी वापस चले जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? ये रीजन क्या है इसका? हालेलुया, परमेश्वर के साथ क्या है? फेलोशिप। परमेश्वर के साथ क्या है? संगति। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर, हालेलुया, गुप्त स्थान से हमें क्या करता? देखता है। अब परमेश्वर को देखने के लिए मैं खुद भी गुप्त स्थान में जाना पड़ेगा। हालेलुया। अब डॉक्टर के पास यदि कोई चेकअप कराने जाता है तो डॉक्टर बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट है। अब वो डॉक्टर इतना बिजी, इतना क्योंकि नाम जाने वाला वो डॉक्टर है किसी एक चीज के बारे में स्पेशलिस्ट है, तो आपको खुद जाना पड़ेगा, उस जगह में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर डॉक्टर का डॉक्टर, वैद्य का वैद्य, जो सब कुछ बदल देता है, जो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, तो हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया, ताकि आप अपने जीवन में वो सारी आशीषों को ले सके ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। वो कौन सा स्थान है? वो गुप्त स्थान है। हालेलुया, परमेश्वर कहाँ निवास करता है? स्तुति में तो करता है, लेकिन गुप्त स्थान में। प्रभु कहता है हालेलुया कि मैंने क्या किया है? गुप्त स्थान से। हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जा वहां पर कोठरी में जा, द्वार बंद कर प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा जो पिता गुप्त में तुझे देखता है और तुझे क्या करेगा? तुझे आशीष देगा। एक जगह पर लिखा है, भजन संहिता बाइबल कहती है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हम जब बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने बहुत बार परमेश्वर ने एक जगह के बारे में बताया, सीक्रेट प्लेस के बारे में बताया है। उसे परमेश्वर क्या कहता है सीक्रेट प्लेस को? हिंदी में गुप्त स्थान के बारे में बताया गया है। वो गुप्त स्थान क्या है? अब आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपका बिजनेस बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि संतान की आशीष मिले, आपका बिजनेस ग्रोथ हो, आपका जीवन परिवार ब्लेस्ड हो, आपका पति वापस आए, आपका पति उद्धार पाए, आपके पत्नी सल्वेशन में आए, उद्धार पाए, आपका जीवन बदले, आपका परिवार बदले, तो आपको भी गुप्त स्थान में जाना पड़ेगा, जहां हमारा परमेश्वर गुप्त स्थान में। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। वो गुप्त स्थान आखिर है क्या? ऐसी कौन सी जगह है गुप्त स्थान? किधर जाए, क्या करें? वो है प्रार्थना की। क्या है वो बताइए? हालेलुया, कमेंट करें, बताएं क्या है वो? वो है प्रार्थना की कोठरी। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ये चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ क्या करें? संगति करें, फेलोशिप करें। नाम के लिए नहीं। कई लोग नाम के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरा कोटा पूरा हो गया, मैंने अटेंडेंस लगा दिया। प्रभु ये नहीं चाहते अटेंडेंस लगाओ। प्रभु ये चाहता है कि परमेश्वर के साथ क्या सहभागिता रखे, कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, परमेश्वर से बात करे। प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया, जो परमेश्वर के प्रेजेंस को प्रिय जानते हैं, जब परमेश्वर के प्रेजेंस को प्यार करते हैं, प्रेजेंस मतलब प्रार्थना में बैठना, वही तो प्रेजेंस है। जब परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो जब हम प्रार्थना करते हैं, पुकारते, स्तुति करते, गीत गाते, वर्षिप करते, अकेले बैठ के हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उतर आता है ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लेकिन कई लोग जो परमेश्वर के प्रेजेंस को प्रिय नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब कैसे वो आशीष को देखेंगे? कैसे छुटकारा चंगाई इनके जीवन में आएगी? हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के प्रेजेंस में आना चाहिए, उसके निकट आना चाहिए। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के निकट तो आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट छुटकारा है, परमेश्वर के निकट जीवन है। आज आप निकट नहीं जा रहे हो, आप दूर जा रहे हो। फॉर्मेलिटीज की प्रार्थना, 5 मिनट, 10 मिनट, बस दैट्स इट। आपको पर्सनल प्रार्थना करना, आपको व्यक्ति का परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है, वो प्रार्थना की कोठरी में जाना है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हमें क्या होना चाहिए? हाँ, हो सकता है बहुत बिजी शेड्यूल, बहुत बिजी अपने काम में। एक मैं आपको बताना चाहती टेस्टमनी, प्रभु की महिमा। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे वो परमेश्वर को जाना, विश्वास से बढ़ता गया। उसका जो बिजनेस था, कुछ था ही नहीं, समझो जीरो था। वहां से लेके ऊपर तक टॉप लेवल में परमेश्वर ने लेकर आया। हालेलुया, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेजेंस को प्रिय जानता था, वो प्रार्थना करता था परमेश्वर के सम्मुख को। लेकिन जब बिजनेस इतना बढ़ गया, अपने इतना बिजी हो गया कि प्रार्थना को भी नहीं समय दिया। हालेलुया, उसके बाद डाउनफॉल आने लगा। वो सोचा, मैंने क्या गलती कर दिया बिजनेस में, क्या कर दिया, उन चीजों को ढूंढ रहा है। पर वो भूल गया कि सबसे बड़ी गलती, वो सीक्रेट प्लेस में नहीं गया, वो गुप्त स्थान में नहीं गया जितना उसको जाना चाहिए था।
वो उस समय फॉर्मेलिटीज कर रहा था। फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए परमेश्वर को आपकी, परमेश्वर को यह चाहिए कि परमेश्वर के साथ वक्त बिताए, समय बिताए प्रार्थना में, वचन में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उसको रियलाइज हुआ और उसने माफी मांगा और फिर से वो परमेश्वर के निकट आया। आमीन। अब उसका टाइम टेबल पूरा सेटल्ड है कि नहीं, मुझे इतने बजे प्रार्थना करना है तो करना चाहिए, कितना बड़ा डील आ जाए, कितना बड़ा बिजनेस आ जाए, मुझे तो अपना परमेश्वर का क्या करना, टाइम देना तो देना है। आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसका मतलब हमारे जीवन गुप्त स्थान, सीक्रेट प्लेस, वो परमेश्वर के प्रेजेंस है, परमेश्वर के हजूरी में बने रहना है, हमारा हृदय कि हमारा हृदय परमेश्वर से जुड़ना चाहिए। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में इन चीजों को आप देखोगे, प्रेयर करके तो देखो, परमेश्वर का वचन कहता है चक कर तो देखो परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। मूसा जो था, देखो वो कैसे प्रार्थना करता था, 40 दिन बिना खाना खाए पिए बिना ये कोई रह सकता है, लेकिन मूसा रहा क्योंकि उसको परमेश्वर का प्रेजेंस बहुत प्रिय था। उसको भूख नहीं लगी, उसको कुछ नहीं लगी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस था उसके सम्मुख था। और सिर्फ उसी का मूसा और परमेश्वर का आमना सामना होता था, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेजेंस को प्रिय जानता था, वो बिचवई की प्रार्थना करता था। हालेलुया। यदि आज आप डिसीजन लें कि प्रभु जो मर्जी हो जाए मैं करने ही प्रार्थना, मैं सीक्रेट प्लेस में, सीक्रेट प्लेस का मतलब कोई अलग सा स्थान नहीं, मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस है, परमेश्वर की हजूरी है, अपने हृदय को परमेश्वर के आगे उंडेलना है, प्रार्थना करना जब तक आपकी आंखों से आंसू ना निकले, जब तक आप परमेश्वर के प्रेम से भर न जाए, और तब काम होना शुरू होता है। जो चीज मांगोगे प्रभु, तब ये वचन पूरा होता है कि तुम जो मांगोगे वो मैं करूंगा, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगोगे तो परमेश्वर की इच्छा को पूछने के लिए आपको तो जाना पड़ेगा सीक्रेट प्लेस में, गुप्त स्थान में, प्रार्थना में, परमेश्वर के प्रेजेंस में। हालेलुया। परमेश्वर का कहता है यदि तुम किस कैसे मांगोगे, मेरी इच्छा के अनुसार मांगोगे, जो भी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, तो मैं उसे पूरा करूंगा। आज मांग रहे पता ही नहीं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम जब सीक्रेट प्लेस में जाते हैं, गुप्त स्थान में, प्रार्थना की कोठरी में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता है द्वार बंद कर प्रार्थना कर, मतलब हृदय उंडेल दे प्रार्थना कर, अकेले में व्यक्तिगत प्रार्थना कर, और तब परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है, आत्मा में बताता है। इसलिए पवित्र अभिषेक को मांगे, परमेश्वर प्रकट करके देगा कि आपको क्या करना, कैसे करना, क्या करना, क्या जाना, कहाँ जाना, क्या नहीं करना, कौन सा डिसीजन लेना, और तब आप उसके अनुसार प्रार्थना करोगे, तब आपके जीवन में आप कार्यों को देखोगे। बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पहले पूछते हैं फिर जाके उसको मांगते हैं। बहुत मोस्टली पीपल ऐसे होते बिलीवर्स जो की इच्छा को पूछते नहीं, लेना देना नहीं होता, वो अपनी मर्जी करते और अपनी मर्जी से मांगते और अपनी मर्जी से हालेलुया बाद पछताना भी पड़ जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब कुछ मांगते हैं तो सचमुच में प्रभु पूरा करता है, परमेश्वर ब्लेस करता है। हालेलुया। तो हमारा जीवन में जो नेव है, फाउंडेशन है, वो क्या है? प्रार्थना, वचन। क्या है? प्रार्थना, वचन, उपवास, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रार्थना, वचन आपके जीवन में कभी भी मिस, कभी कम, कभी ना होने पाए, बल्कि जितना बढ़े उतना बेस्ट आपके जीवन के लिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु कहता है कि तू ना डरेगा, तू ना घबराएगा, उस उड़ने वाले तीर तेरा कुछ नहीं कर सकती। किन लोगों के जीवन में? जो परमेश्वर के निकट आते हैं। प्रभु कहता है तेरे निकट आ ही नहीं सकता, उनके निकट नहीं आएगा जो परमेश्वर के निकट है। किन के? जब आप पढ़ते हैं भजन संहिता 91 में लिखा है कि कोई बीमारी, कोई चीजें, कोई आपको उजाड़ नहीं सकता, कोई दुख बीमारी कुछ भी तेरे निकट नहीं आ सकती। किसके निकट? जो परमेश्वर के निकट है उसके निकट नहीं आ सकती। हालेलुया। सोचो जब आप प्रार्थना करते हो तो स्पिरिट दुष्ट आत्मा घबराती है। जब आप गुप्त स्थान में जाओगे, प्रार्थना करोगे, जैसे जैसे आत्मा गवाही करेगा वो थरथरा के कांपे का भाग जाएगा, वो निकट आ ही नहीं सकता शैतान, वो बीमारी को लेके नहीं आ सकता, कोशिश तो करेगा लेकिन प्रार्थना को देख के थरथराएगा, कांपे का भाग जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बहुत से बिलीवर, बहुत से आज इन चीजों को अपने जीवन में क्या नहीं कर पा रहे, फॉलो नहीं कर पा रहे, प्रार्थना में नहीं जा पा रहे, व्यक्ति के प्रार्थना नहीं कर पा रहे, और परमेश्वर की इच्छा को पूछते भी नहीं कि प्रभु हम क्या करें, कैसे करें। आज जब परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करोगे, आप ग्रेट रिजल्ट को देखोगे, बेस्ट रिजल्ट को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आइए अपना जीवन को सरेंडर करें, बोलो आज से मैं प्रार्थना की कोठरी में जाऊंगा, आज से मैं गुप्त स्थान में जाऊंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए पिता परमेश्वर, मैं अपना समय आपको दूंगा प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु कहता अपना समय मुझे दे, मैं तेरे समय को सुंदर बनाऊंगा, मैं बेस्ट बनाऊंगा। आमेन। प्रभु की महिमा हो। आइए अपने आप को सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु। यदि अभी भी आप गुप्त स्थान में नहीं गए, इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया क्या मतलब, प्रार्थना करना, अकेले में प्रार्थना करना, व्यक्तिगत प्रार्थना करना जिसमें परमेश्वर और आप हो।
हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मैं प्रार्थना करती हूँ, जब अभी तक गुप्त स्थान में नहीं गए, मतलब जो प्रार्थना नहीं किया अकेले में, व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं किया, कई लोग से 5 और 10 मिनट करते हैं, एक बार करके तो देखो प्रार्थना, आनंद खुशियों से भर जाओगे, ब्लेसेड होकर बदल जाओगे, आपका जीवन आपका परिवार बदलना शुरू हो जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का जीवन दे, आज प्रार्थना का योद्धा बना दे, प्रार्थना की कोठरी में जाए, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु मदद कर, सहायता कर, जब प्रार्थना करें तो मोबाइल रख के नहीं, जब प्रार्थना करें तो क्या चीज व्हाट्सएप चेक ना करें, किसका मैसेज आया, आपका ध्यान परमेश्वर में होना चाहिए, कोई चीज आपको डिस्कनेक्ट ना करने पाए, परमेश्वर से दूर ना करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में साइलेंट करें, या फिर अपने परिवार में किसी को पकड़ा दो ये मोबाइल में मेरा, हालेलुया, ताकि आप क्या ना हो पाए, परमेश्वर से दूर ना होने पाए, उसके जोरी में आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करते लोगों का जीवन बदल जाए। सचमुच में आप बहुत सारे सोचते हैं कि ये बीमारी जा सकती है, नहीं ये बीमारी तो नहीं जा सकती, परमेश्वर के लिए कोई कार्य क्या नहीं है, असंभव नहीं, असंभव को संभव बना देता है, लेकिन आपको किस परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के गुप्त स्थान में जाओ, प्रार्थना करो, 100% रिजल्ट देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया कर, मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके हाथ में समर्पित करते हैं, प्रभु जी अनुग्रह दे, फास्टिंग प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दे, प्रभु मदद कर, सहायता कर, अनुग्रह दे, रेबो शंतर बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे पिता परमेश्वर, बंधन टूट जाए, ओ लॉर्ड जीसस, प्रार्थना का आत्मा दे, यही चीजों को शैतान चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना इनका नेव जड़ है पिता परमेश्वर, वचन इनका नेव जड़ है, और इसी चीज को वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर, डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी बातों को लाने की कोशिश कर रहा है। मैं प्रार्थना करती हूं ऐसी चीजें जो आपको बरगला रही है, आपको भरमा रही है, स्पिरिट दुष्ट आत्मा के डॉक्टर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मैं प्रार्थना करती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए, गुप्त स्थान में जाए, प्रार्थना वाला दे, मन दे, अभिषेक देने मसा कर, आज से हर एक लोगों का जीवन बदलना शुरू हो जाए। जितने लोग आज इस वचन को सुना है, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, इनका जीवन बदले, ये प्रार्थना की कोठरी में जाए, ये अकेले प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए, जो शैतान रोकती है आशीषों को लेने से लिए, ये क्या चीजों को लेकर रोकती है कि आप प्रार्थना ना करें, उसको पता जब प्रार्थना करने लगोगे आशीषों की होनी शुरू हो जाएगी, आत्मिक जीवन मजबूत हो जाओगे, बढ़ जाओगे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, डिस्कनेक्ट करती है आपके जीवन से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कोई चीज है, कोई भी आपको बरगलाता है, भरमाता है, कोई भी ऐसी चीजें जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती है, डिस्कनेक्ट करती, गेट आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु दया कर, धन्यवाद यीशु, दया कर, प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, नया मसा दे, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, प्रार्थना बोलो, आज से मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा, बोलो आज से पिता परमेश्वर मैं गुप्त स्थान में जाऊंगा, मैं सीक्रेट प्लेस में, मतलब प्रार्थना में मैं परमेश्वर के सम्मुख में जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, ओ लॉर्ड जीसस, जब तक मेरे आंखों से आंसू ना निकले, जब तक पवित्र अभिषेक न मिले, नया अभिषेक, नया मसा, ओ लॉर्ड जीसस, उन भलाइयों को याद करते हुए प्रार्थना करें, आप देखोगे आनंद खुशी से भर जाओगे। मैं प्रार्थना करते टाइम ठहरा ले, इतने बज के इतने मिनट मेरा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर का समय, ये समय मैं किसी को नहीं दे सकता, ना दे सकती हूँ, हाले ठहरा ले, नोट कर ले, इसी वक्त कमेंट करके बताएं यीशु मसीह के समर्थ्य नाम कि कितने लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हाले उनके लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थ्य, जितने लोग लिख रहे कमेंट कर रहे बता रहे कि आज से मैं प्रार्थना स्टार्ट कर रहा हूँ करके, और रबा का धीरे लबा शांतर लबे, जो गुप्त स्थान में 5 मिनट नहीं 10 मिनट नहीं, जितना आपको आत्मा चला उतना करें यीशु के समर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे छोटे, जो मर्जी हो, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रार्थना का आत्मा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है जागते प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु हर एक लोगों को अनुग्रह दे, प्रार्थना का आत्मा दे, प्रभु मदद कर, सहायता कर, प्रभु जी फास्टिंग प्रेयर करने के लिए अनुग्रह दे, प्रार्थना का आत्मा दे, अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम। पत्र कह दे निकल, मास कर दे, जो पिछड़े लोग वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम। आज जो कितने लोग नए लोग हैं, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, यीशु जो जीवित है, जो सब कोई बदल सकता है, जैसे मेरे जीवन को बदला आपके जीवन को भी बदलेगा। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम, प्रभु अनुग्रह दे, ओ लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, हर एक पुरानी से पुरानी बीमारी कितनी परमेश्वर के निकट जाओगे प्रार्थना में,
तो कोई बीमारी कोई चीज आपको पीछा नहीं कर पाएगी, आ नहीं पाएगी। मैं प्रार्थना करते डिस्कनेक्ट करती हूँ, हर एक दुष्ट आत्मा की बीमारी आपके जीवन से जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गेट आउट, यीशु के सामर्थ्य नाम में हील एंड डिलीवर इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, आपकी महिमा स्तुति तारीफ करती हूँ। सर प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी वक्त बीमारी जाए, इसी वक्त समस्या जाए, इसी वक्त जो उदासपन में यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, आपके शरीर में जहां भी दर्द है गेट आउट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। खांसी है, सर्दी, बुखार है, कोरोना महामारी, ऑक्सीजन कुछ भी है, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, बी हील्ड एंड डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करते हड्डी के रोग और समस्या जाए, दर्द जाए, दर्द जाए, नाक जाओ जाओ जाओ। मैं प्रार्थना करते हेयर फॉल के प्रॉब्लम जाए, मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, आपके कान सुनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो मशीनें लगी हुई है आप खुद डॉक्टर बोलेगा, नो नीड, यू नो नीड, हाले किसी मशीन की जरूरत नहीं क्योंकि आप चंगे हो चुके हो। हालेलुया, प्रभु की महिमा। मैं प्रार्थना करते जो मशीनें लगी हुई है प्रभु चंगा कर, छुटकारा दे, इनका डॉक्टर इनको कर बताए कि अब तुमको जरूरत नहीं है। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में जो डायलिसिस में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सामर्थ्य नाम में, सामर्थ्य नाम में, रबकति रबशंत रलेबे गदि रलेबे। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, परमेश्वर के लिए आगे बढ़े, परमेश्वर के काम को करने के लिए आगे बढ़े। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। मैं प्रार्थना करते हूं लोगों के लिए, कहे हालेलुया, प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, ओ जीसस, 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 दया कर, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, टेस्टिमनी दे, टेस्टिमनी के साथ ब्लेस करते इनका। फर्स्ट टेस्टिमनी ये होना चाहिए प्रभु जी कि आज प्रार्थना की कोठरी में गया, मैं इतने देर प्रेयर किया, अभिषेक से भरकर, ने मसा से भरकर, और लॉर्ड जब प्रेम से भरा, अपने आंखों से अपने आप आंसू निकल रहे थे, और मैं प्रार्थना करी जा रहा था, करी जा, दिस इज द फर्स्ट टेस्टिमनी आपके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करते अभिषेक दे, ने मसा दे, प्रार्थना का आत्मा दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, और लॉर्ड जीसस, परमेश्वर के प्रेजेंस पर सम्मुख में आने के लिए अनुग्रह दे, प्रिय जानने के लिए अनुग्रह दे। हालेलुया, प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अनुग्रह दिया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक इधर उधर की बातें, घमंड की बातें, झूठ वाली बातें, गंदी की चीजें जो परमेश्वर से दूर करते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार को ब्लास करते हो, एक कर देते सॉल्वेशन और उद्धार को, मैं बेस्ट आपके घर में इसी वक्त, आपके जीवन से, परिवार से, हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा जो कार्य करती जाए, घर तोड़ने वाली आत्मा जाए, हाँ जो पति पत्नी के जीवन को डिस्ट्रॉय करती, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, व्यभिचार खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं जो घर छोड़कर चले गए वापस से कम बैक इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कम बैक, कम बैक, कम बैक इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं जाओ, मैं प्रार्थना करती हूं डिलीवर्ड इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर जो पति जिनकी पत्नी छोड़कर चले गई, पत्नी के लिए प्रार्थना करे, पति पत्नी के लिए, तो पत्नी पति का प्रार्थना करे, गलती पता चल चुका है, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आप बोलोगे तो नहीं बदलेगा, लेकिन प्रार्थना करोगे तो उसका जीवन जरूर बदलेगा। हालेलुया, उद्धार के लिए प्रार्थना करें, ओ जीसस में प्रार्थना करते हैं, उद्धार की घोषणा करते हैं, जीवन की घोषणा करते हैं, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, जो नशा में गलत चीजों में फंसे हुए आजाद हो जाए प्रभु, छुटकारा के लिए धन्यवाद। इनके जीवन में जो बिजनेस में बड़ी प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या चल रही है, प्रभु जी क्या करना आपने बताइए, बोलो प्रार्थना की कोठरी में जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करती गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आज इनके घरों में, इनके जीवन में जो बहुत सारी चीजें ऐसे सहन करना पड़ रहा है, आज मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इनका बिजनेस जो ठप पड़ा है, चल यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्लाइंट और कस्टमर आपके दुकान में, कोई शॉप में भेज देती हूँ प्रभु, अनुग्रह दे, ब्लेस कर, बेईमानी के साथ नहीं, वफादारी के साथ काम करने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु दया करते, प्रभु दया करते, ओ रे भगदीर, प्रार्थना करते बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन को ब्लस करते हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, दया कर दे, 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 प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु अनुग्रह दे, ब्लेस कर पिता परमेश्वर, ब्लेस कर पिता परमेश्वर, ब्लेस कर पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। हालेलुया, दया कर दे, दया कर दे, छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपका बिजनेस ब्लेस, आपके जॉब को सुरक्षित करती ब्लेस करती, जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं ब्लेस करती, आपके डॉक्यूमेंट पेपर, आपके काम काज को ब्लेस करती, परमानेंट वीजा की हाल, परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद करते, इनके काम काज को ब्लेस करती प्रभु जी। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, बच्चों को ब्लेस करती हूँ, हजार एक बंधन टूट चुका, धन्यवाद करती, कर्ज के श्राप से आजाद हो जाए, गवाही का जीवन दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ।
हालेलुया। प्रभु चला, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य तू अंदर आते समय। परमेश्वर को पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। आपको उधार लेना नहीं पड़ेगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं ब्लेस करती हूं इस वचन के साथ, यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। मैं प्रार्थना करते रहे एक्सीडेंट से, हर एक खतरों से, मुसीबत से, बीमारी से बचाना मैं कैंसिल करते आपके जीवन से, हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा को, हर एक नुकसान को यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु छुटकारा दिया, चंगा कर दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करते हैं, एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं, प्रभु ब्लेस करती हूँ। ये जो चाहते हैं कि जिन्हें पूरा होने पर यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। बहुत लोग कमेंट करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे, प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, नया ग्रेस, नया ग्रेस, नया ग्रेस दे, नया अनुग्रह दे पिता परमेश्वर प्रतिदिन। हालेलुया प्रभु, चला पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो बहुत सारी समस्या उनको दूर हो चुकी करके मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हर एक हेडेक जा चुके, डिप्रेशन जा चुके, अस्थमा जा चुके प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। हर के प्रॉब्लम, टीवी के प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी जा चुकी है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है मैं प्रार्थना करती हूँ इन लोगों के लिए भीड़ है डिलीवर्ड। हर एक डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी, जितने लोग काम करते हैं हॉस्पिटल में, यीशु के नाम में ढांप देती, कवर कर देती परमेश्वर, बचा संभाल पिता परमेश्वर। छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो ट्रांसफर चाहते हैं आपका इस जगह से इस जगह में हो जाए, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ और धन्यवाद यीशु। प्रभु संतान की आशीष दिया, धन्यवाद करती हूँ। इनको ब्लेस किया, धन्यवाद करती हूँ। इनका जीवन आशीष में होकर बदल रहा करके मैं धन्यवाद करती हूँ। इनको धीरज की आत्मा दे प्रभु जी, सर प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह दे, अनुग्रह दे इनके काम काज, इनके जॉब में, इनके जॉब प्लस के ऑफिस को ब्लेस करते प्रभु जी। इनका प्रमोशन इंक्रीमेंट की घोषणा करते, रुके काम बनने लगे, चलने लगे, रुके सैलरी को रिलीज करते, रुके पेमेंट को रिलीज करती। हालेलुया जो आनाकानी करता है नहीं देने के लिए कहता है, जिसको अपने हेल्प के कुछ भी आपने किया था लेकिन वो देने के लिए मना करता है, उसको मैं रिलीज कर देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके डॉक्यूमेंट गुमा हुआ पेपर को मैं रिलीज करती हूँ प्रभु, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। रुके काम, रुके सब कुछ चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु, ब्लेस कर दिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। सही प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते। इनका हृदय, इनका मन को खोल दिया, मैं धन्यवाद करती। प्रार्थना का आत्मा दिया, धन्यवाद करती। प्रभु अनुग्रह दिया, धन्यवाद करती। इनके अनजान नंबर सर दूध को ठहरा देते, शुक्र हम कवर करते। इनके गाड़ी, इनके व्हीकल, इनके शॉप, इनके बिजनेस को, दुकानदारी को, इनके काम को, इनके इनके एम्प्लॉय को भी शुक्र हम कवर करते, ढांप देती हूँ। हालेलुया सर प्रार्थना को सुनिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु निर्दोष बना, निष्कलंक बना, लायक बना, तेरे योग्य बना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। सभी लिखे बोले हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, और आप अपनी, मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोग पढ़ते हैं और हमारी टीम और सब प्रेयर भी करते हैं, इसलिए प्रार्थना में बने रहें। और जैसे कि वचन बताया कि उस वचन को फॉलो करें, अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को देखोगे। आमीन। ज्यादा से ज्यादा वचन को शेयर करें ताकि लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें प्रभु में। अपने जो भाई में प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपने गवाही को सिर्फ से वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें, और आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करें। जो पहली बार आज के जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार प्रार्थना करें चढ़ भवन की जमीन के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, टीम के लिए। हालेलुया, ताकि और सुसमाचार को फैला सके और परमेश्वर के आगमन के लिए हम खुद भी तैयार हो सके, सब लोग तैयार हो सके, कर सके परमेश्वर के वचन और अनुग्रह के द्वारा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।